हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पारीक आप सभी का योगा हॉलिक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए 2 योगासन और 4 प्राणायाम लेके आया हूं, जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है आपकी अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए। दोस्तों, अगर आप हर रोज निरंतर इन 2 योगासन और 4 प्राणायाम को करेंगे तो आप अपनी अस्थमा की समस्या में फायदा महसूस करेंगे। दोस्तों, अस्थमा की समस्या वंशानुगत हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। दोस्तों, तो अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए हम अपने योगा सेशन को, आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आराम से योगा मैट पर बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने पैरों को मरोड़ के सुखासन में आराम से बैठ जाएं, कंधों को रिलैक्स करते हुए मन को शांत रखें, सभी विचारों को, सभी चिंताओं को, सभी तरह के तनाव को हटा दें, अपने मन को शांत करते हुए आराम से बैठ जाएं, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आए, सांसों को देखें आते हुए और जाते हुए, न जानबूझ के सांस लेना है, न जानबूझ के सांस छोड़ना है, मन को शांत रखते हुए बैठ जाएं। अब आने वाला कुछ समय हमें अपने आप को देना है, अपनी अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए देना है। दोस्तों, अब हमारा मन शांत हो गया है तो अब हम अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए पहला योगासन स्टार्ट करते हैं, जिसे भुजंगासन कहते हैं। दोस्तों, भुजंगासन अस्थमा की समस्या के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसे करने के लिए आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटाते हुए आराम से लेट जाएं, अपने हाथों को अपने चेस्ट के बराबर खोलते हुए गहरा सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेके आना है और इस पोजीशन में सांस अंदर भरते हुए रुक जाना है। दोस्तों, फिर अब हमें धीरे धीरे गहरा सांस अंदर भरना है और धीरे धीरे गहरा सांस नाक से बाहर छोड़ना है। इसी तरह से 3 से 4 सांसें लेनी है और 3 से 4 सांसें छोड़नी है। इसी पोजीशन में 10 से 15 सेकंड रुकना है और सांसों को लेना है और छोड़ना है। फिर आराम से सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, 2 से 5 सेकंड रिलैक्स करें, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें, फिर अपने हाथों को वापिस चेस्ट के बराबर खोलते हुए गहरा सांस भरते हुए ऊपर करना है, जितना हो सके उतना ऊपर होना है। आप अगर और कर सकते हैं तो अपने हाथों को अपने पेट के पास लेके आएं और ऊपर हो, अगर आपसे नहीं होता है तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएं और सांस को लेना है और छोड़ना है। इससे आप अपने सांसों पे संयम रख पाएंगे, सांसों की गति को कंट्रोल कर पाएंगे, जो अस्थमा की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आराम से सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाना है और 2 से 5 सेकंड रिलैक्स करना है और अपने मन को शांत रखना है, सभी विचारों को हटा देना है। फिर वापिस से एक और बार कर लेते हैं, हाथों को अपने चेस्ट के बराबर खोलते हुए सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाना है और भुजंगासन में अपने शरीर को रोके रखना है और 3 से 5 सांस हल्के हल्के लेनी है, हल्के हल्के छोड़नी है। अस्थमा की समस्या में, दमा की समस्या में हमें सांस अच्छे से नहीं आता है। दोस्तों, हमारे फेफड़े, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए हमें सांसों पे संयम बरतने के लिए, सांसों पे कंट्रोल पाने के लिए भुजंगासन करना बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और हम सांसों पे कंट्रोल करके, उसकी प्रैक्टिस करके अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब भुजंगासन करने के बाद अब हम दूसरा योगासन करेंगे, जिसे हम मकर आसन कहते हैं। दोस्तों, ये भी भुजंगासन की तरह ही है लेकिन उसका दूसरा वेरिएंट है। इसमें करने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे और ये बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसे करने के लिए आप मेरे साथ करें, जैसा मैं बताऊं वैसे करें। दोस्तों, आप आराम से पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, रिलैक्स होकर लेट जाएं, सभी चिंताओं को हटा दें और अपने हाथों को इस तरह से रखते हुए अपने चिन को अपने हाथों पे इस तरह से बैलेंस करना है। दोस्तों, फिर लेट होके लेट जाएं,
और अब आपका शरीर रिलैक्स हो गया है, अब हम मकर आसन को करने के लिए रेडी हैं दोस्तों। इसमें आपको अपनी ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, हल्के हल्के और गहरे सांस आपको नाक से अंदर लेने हैं और हल्के हल्के और गहरे सांस नाक से बाहर छोड़ने हैं दोस्तों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गहरा सांस अंदर भरते हुए अपने पैर को मोड़ना है और अपने थाई पे और अपने हिप पे टच करने का प्रयास करें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे ले जाना है, गहरा सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर लेके आना है और अपने थाई पे टच करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे ले आना है। इस तरह से दोनों पैरों से पांच पांच बार करना है। गहरा सांस नाक से अंदर भरना है, पैर को मोड़ते हुए अपने थाई पे टच करना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए वापिस ले जाना है। इससे हमारे लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, हमारा पूरा फोकस हमारी सांसों पे रहता है और हमें अस्थमा की समस्या में फायदा मिलता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी बैक बोन की नेचुरल मसाज होती है और हम बेहतर महसूस करते हैं दोस्तों। आप इसको मेरे साथ करें, अपनी क्षमता अनुसार करें, धीरे धीरे करें, रिलैक्स होके करें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप इसको अपनी क्षमता अनुसार करें और इस योगासन को यही रोक दें दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। अब हम इसको दोनों पैरों से करेंगे। गहरा सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर लाना है, कुछ देर रोके रखना है, फिर गहरा सांस बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले जाना है दोस्तों। अपने पंजों को मोड़ते हुए रखना है, फिर गहरा सांस भरते हुए वापस से ऊपर लाना है, फिर गहरा सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले जाना है। गहरा सांस भरते हुए वापस से ऊपर लाना है और गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। करने से हमारे पैरों में इलास्टिसिटी बढ़ती है, हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है और हम हेल्दी हो जाते हैं और हमारी अस्थमा की समस्या समय के साथ धीरे धीरे ठीक होती है दोस्तों। ये बहुत ही आसान योगासन है, इसे आपको हर रोज करना है 1 से 2 मिनट। फिर अब हम मकर आसन करने के बाद अब हम प्राणायाम को करने के लिए रेडी है। हमारा शरीर ओपन हो गया है, अब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को, आपूर्ति को पूरा करता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारी सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे लंग्स को अच्छे से हेल्दी बना देता है दोस्तों। और हमारी अस्थमा की समस्या, दमा की समस्या, सांस ठीक से नहीं आने की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है समय के साथ। तो इसे स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे बताऊं वैसे आपको करना है। आराम से पैरों को मरोड़ते हुए, कमर को सीधे रखते हुए, कंधों को रिलैक्स रखते हुए बैठ जाएं। गहरा सांस नाक से अंदर भरना है, कुछ देर रोकना है और गहरा सांस नाक से बाहर छोड़ देना है दोस्तों। आपको फोर्सफुली बिल्कुल नहीं करना है, आराम आराम से करना है। जब आपकी सांस भरने लगे तब आप रुक जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे इतना तेज नहीं हो रहा है तो आप इसको आराम से करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें, अपने मन को इधर उधर की आवाजों पे, इधर उधर के ख्यालों पे ना ले जाएं। पूरा ध्यान अपने आप पे रखें, अपनी सांसों पे रखें और आनंदित होते हुए करें, मस्त होके करें, सभी चिंताओं को हटा दें। पूरा विश्वास रखें अपने आप पे, उस परमात्मा पे कि आप अपने सांस की क्षमता को, अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अपन इसको 1 से 2 मिनट तक करेंगे, आराम से करेंगे। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अब हम अगला प्राणायाम करते हैं जिसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे पेट की समस्याओं को ठीक करता है जिससे हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है, पेट पे अनवांटेड फैट जमा नहीं होती है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है दोस्तों। हमें 1 से 2 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना है। इसे करने के लिए सेम पोजिशन में बैठना है, फोर्सफुली सांसों को बाहर
छोड़ना है, लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट भी अंदर की तरफ जाएगा। एक सेकंड में एक बार करना है, आराम आराम से करना है, अत्यधिक फोर्सफुली नहीं करना है। अगर आपकी सांसें बीच में भरने लगे तो आप इसको छोड़ दें दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से करना है, रिलैक्स होके करना है, आनंदित होके करना है। जब हम आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो अच्छे अच्छे हार्मोन, अच्छे अच्छे एनर्जी हमारे शरीर में स्रावित होती है, फ्लो होती है और हम हेल्दी होते हैं दोस्तों। एक बार और करके देख लेते हैं। इसे करने से हम अच्छा महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। आप इसको कंटिन्यू रखें और फिर इसके बाद आराम से कुछ देर रिलैक्स करें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिलैक्स होने दें, अपने कंधों को रिलैक्स होने दें, शांत होकर कुछ देर बैठे रहें। और अब हम अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं, जो बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है, जिससे हमारा शरीर नेचुरली क्लीन होता है, पूरे शरीर की गंदगी सांस के साथ बाहर हो जाती है, पूरे शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं और हम हेल्दी रहते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लोअर बॉडी में, अपर बॉडी में, हमारे शरीर पे चमक आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारी अस्थमा की समस्या के लिए ये बहुत ही अच्छा योगासन है। इसको हमें 1 से 2 मिनट करना है दोस्तों, आराम आराम से करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। इसे करने के लिए राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट नोज से सांस को अंदर भरना है गहरा, और फिर राइट लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट नोज से सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर इसी पोजीशन में रुकते हुए राइट नोज से सांस को अंदर भरना है और राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट नोज से सांस को बाहर छोड़ देना है। इस प्रोसेस को आराम आराम से करना है, प्रसन्न होके करना है। चलो करके देखते हैं। आप कंटिन्यू रखें दोस्तों। इसे करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को हम इससे बढ़ा सकते हैं। इससे हमारी सांस भरने की समस्या ठीक होगी समय के साथ और हम बेहतर सांस ले पाएंगे और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को ठीक से रख पाएंगे दोस्तों, और हम हमारे दैनिक दिनचर्या को अच्छे से रह पाएंगे। इसको एक बार और करके देख लेते हैं। हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, सांस की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें हर रोज इसे करना चाहिए। अब हम थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठते हैं और हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारा शरीर में जो थकान है, सांसों में जो भारीपन है, वो ठीक होगा, हमारा मन शांत होगा और शरीर में अद्भुत फायदे होंगे दोस्तों, और हम हमारी समस्या को समय के साथ धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं, कंधों को रिलैक्स छोड़ें और अब हम अपनी एक उंगली को अपने फोरहेड पे रखना है, दूसरी उंगली को आंखों पे रखना है, तीसरी उंगली से नाक को आधा बंद करना है दोनों नोस्ट्रिल को, और चौथी उंगली को मुंह पे रखते हुए अंगूठे से अपने कानों को आराम से बंद करना है। फिर नाक से गहरा सांस अंदर भरना है और मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है दोस्तों। इसे करके देखते हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में सकारात्मक स्पंदन होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारी आंखें, हमारा थॉट, हमारे कान, हमारा मस्तिष्क, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा मन,
हमारा शरीर पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक स्पंदन से भर जाता है और हम अस्थमा की समस्या में रिलीफ महसूस करते हैं, हमारे मन को शांत महसूस करते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम नकारात्मक विचारों से दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहने से हम डेली बेसिस पे निरंतर अभ्यास करके हमारी सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ते हुए, संचित करते हुए अपनी सांस की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अस्थमा की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा दावा है अगर आप हर रोज इन दो योगासन और चार प्राणायाम को नियमित और अच्छे से हर रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी सांस की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी अस्थमा और दमा की समस्या को ठीक कर सकते हैं, उसमें फायदा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप अपनी अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए कौन से योगासन, कौन से प्राणायाम करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स का सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोज और योगा वीडियोज आप चाहते हैं तो इस योगा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।